हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। हम आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर। हमने ट्रांसफार्मर के पिछली दो वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर का प्रकार और ट्रांसफार्मर्स में एसी सीटी ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की क्या क्या हानियाँ होती है, ट्रांसफार्मर के बारे में इसमें हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की जो भी जानकारी है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हम पिछली दो वीडियो में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की हानियाँ। ट्रांसफार्मर की हानियाँ क्या होती है? ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है? यह हानि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होती है क्योंकि वाइंडिंग में प्रतिरोध होता है। इस हानि का मान लोड के मान पर निर्भर करता है, इसलिए इसे लोड हानि भी कहते हैं। तो कॉपर हानि को क्या कहते हैं? लोड हानि भी कहते हैं। यह हानि धारा के वर्ग में होती है। यदि लोड का मान आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाता है। क्या होता है? यदि लोड का मान दुगना कर दिया जाए तो कॉपर लॉस क्या हो जाता है? 4 गुना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि WC = I1² × R1 + I2² × R2। इसके बाद होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? यह हानि ट्रांसफार्मर में होती है। यह हानि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। इस हानि का मान लोड के मान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे नो लोड हानि कहते हैं। कॉपर लॉस को तो क्या कहते हैं? लोड हानि। और इसको आयरन लॉस को नो लोड हानि। आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो पहला आता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है यह हानि चुंबकीय क्षेत्र के चक्रीय परिवर्तन के कारण होती है, क्योंकि इसे चुंबकीय जिससे चुंबकत्व पिछड़ जाता है। यह हानि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। इस हानि को कम करने के लिए कोर में 1 से 4% तक सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है। इसके बाद आता है एडी करंट दोष। तो एडी करंट दोष क्या होता है? यह हानि कोर में उत्पन्न वोल्टेज के कारण उत्पन्न होती है। इस हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड करते हैं इसमें, और पत्तियों की मोटाई को कम रखी जाती है। यह हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग में होती है, अर्थात WB मैक्सिमम का स्क्वायर × F² × मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर × समय या मोटी मोटाई का स्क्वायर। बी मैक्सिमम होता है फ्लक्स। जब कोई कॉपर लॉस और आयरन लॉस का मान बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। ट्रांसफार्मर का परीक्षण कैसे करते हैं? ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे की जाती है? ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए ट्रांसफार्मर में दो प्रकार से टेस्ट किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? इसका उपयोग आयरन लॉस और शून्य भार द्वारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण निर्धारित वोल्टेज 230 वोल्टेज पर करते हैं। इस परीक्षण में सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखा जाता है। इस परीक्षण में लो वोल्टेज को अंदर व हाई वोल्टेज को बाहर रखा जाता है। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि तो ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज को प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज को जब ट्रांसफार्मर के बाहर रखा जाता है। इस तो वोल्ट मीटर की जुड़ा होता है कोयल और ये इसके बाद होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसका उपयोग कॉपर लॉस व वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टा नियमन को ज्ञात करने के लिए जाता है। तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या काम किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टा नियमन के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट कर दिया, इसमें क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या, हमने ओपन सर्किट टेस्ट में क्या कहा था? सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज प्रदान बाहर रखा जाता है तथा इसको ओपन रखा जाता है, और शॉर्ट सर्किट में इसको शॉर्ट किया जाता है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट कर दी जाती है, जैसे कि यह एकदम विपरीत है। इसे सप्लाई में निर्धारित वोल्टेज का मात्र 5% वोल्टेज दिया जाता है। इसे क्या जाता है? निर्धारित वोल्टेज का 5% वोल्टेज दिया जाता है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट, इसमें लो वोल्टेज को तो अंदर रखा जा बाहर रखा जाता है और हाई वोल्टेज को अंदर रखा जाता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में इसके लो वोल्टेज साइड वो शॉर्ट करते हैं। जैसे कि ये लो वोल्टेज की सेकेंडरी साइड को, ये सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर की संबंध, तो
थ्री फेज ट्रांसफार्मर में संबंध या कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन चार प्रकार से कहता है, मैंने स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा और स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग उच्च वोल्टता और उच्च शक्ति के नियमन में किया जाता है, और डेल्टा डेल्टा का निम्न वोल्टता और उच्च शक्ति में किया जाता है, और स्टार स्टार का स्टेप अप तथा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद डेल्टा डेल्टा का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है वीवी संयोजन या स्टार स्टार, इसे खुला डेल्टा संयोजन भी कहते हैं। वीवी संयोजन को क्या कहते हैं? खुला डेल्टा संयोजन। इसमें तीन फेज पावर को दो फेज ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें डेल्टा डेल्टा संयोजन की अपेक्षा चक्रों की संख्या 58% होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि वीवी संयोजन में चक्रों की संख्या कितने प्रतिशत होती है, तो 58%। और इसे कौन सा खुला डेल्टा संयोजन भी कहते हैं। वीवी संयोजन क्या कहते हैं? अपन खुला डेल्टा संयोजन, क्योंकि हम डेल्टा को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये होता है डेल्टा, और इसको अगर अपन ओपन कर दिया जाए तो इसको अपन वीवी या खुला डेल्टा संयोजन कह दिया जाता है। डेल्टा डेल्टा संयोजन की अपेक्षा 58% शक्ति रूपांतरित होता है। इसका उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ डेल्टा डेल्टा संयोजन में दोष पाया जाता है। डेल्टा संयोजन में जहाँ दोष किया जाए, जहाँ डेल्टा संयोजन में दोष होता है, वहाँ पर हम वीवी संयोजन का उपयोग करते हैं। इसे निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति प्रदान प्राप्त होती है, जैसे कि यह डेल्टा डेल्टा संयोजन है, उसमें वीवी संयोजन को कनेक्शन कर दिया जाता है। इसके बाद होता है टर्सली कुंडली। टर्सली कुंडली क्या होती है? टर्सरी कुंडली होती है, स्टार स्टार वाइंडिंग के बीच अगर डेल्टा वाइंडिंग डाली जाती है तो इसे टर्शरी कुंडल कहते हैं। इसका उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ न्यूट्रल स्टेट नहीं रहता है, जहाँ पर न्यूट्रल या अर्थिंग का न्यूट्रल का मान परिवर्तित होता है, वहाँ पर अपन टर्शरी कुंडली का उपयोग करते हैं। इसके बाद होता है स्कॉट संबंध। स्कॉट संबंध क्या होता है? थ्री फेज और थ्री फेज से टू फेज में बदलने के लिए जो कनेक्शन किया जाता है उसको सिंपली स्कॉट शॉर्ट कहते हैं। इसे टीटी संयोजन भी कहते हैं। इसका उपयोग तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए किया जाता है। इसे वेल्डिंग सेट और इंडक्शन भट्टियों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है इसमें दो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य ट्रांसफार्मर के बीच में टैपिंग निकाली जाती है। इसमें ट्रीजर ट्रांसफार्मर मुख्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा चक्रों की संख्या 86.6% होती है, जिसे कहते हैं, जैसे कि इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। इसके बाद होता है ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने के लिए क्या क्या शर्तें हमें रखनी चाहिए। तो समांतर में जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर की दोनों वोल्टताएं वोल्टेज समान वोल्टेज के ट्रांसफार्मर को हम समांतर में जोड़ सकते हैं। दोनों की ध्रुवता भी पोलरिटी भी सेम होनी चाहिए, और दोनों की फ्रिक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। दोनों का कालानुक्रम या समान होना चाहिए। दोनों की प्रतिकाय प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, और वर्तमान में ट्रांसफार्मर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि इससे ट्रांसफार्मर का वजन कम हो जाता है और उसे दूर दराज क्षेत्रों में ले जाने में आसानी रहती है। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्रांसफार्मर में वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और क्यों भरी जाती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर का वजन कम हो जाता है और इसे दूर दराज क्षेत्रों में ले जाने में आसानी रहती है, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर में नाइट्रोजन गैस भरते है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण बची हुई है ट्रांसफार्मर की, ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? इसमें अधिकतम फ्लक्स और सप्लाई फ्रिक्वेंसी और चक्रों की संख्या के बीच में जो समीकरण अनुपात दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है ईएफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई एम और एफ एन। फाई एम क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर, और एफ क्या होता है? फ्रिक्वेंसी, और एन क्या होता है? चक्रों की संख्या। तो ई बराबर होता है 4.445 mFn, और ये तो प्राइमरी वाइंडिंग में ई पी बराबर 4.445 mFn, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 4.445 mF और एन एस। यहाँ पे एन पी तो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, और एन एस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या। जब फ्लक्स घनत्व तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो बी बराबर बी एम बराबर होता है फाई एम अपॉन ए, फाई बराबर बी एम और इंटू ए, ई बी ई पी बराबर होता है 4.44 bm इंटू ए इंटू एफ, जो कि प्राइमरी
वाइंडिंग प्राइमरी ईएमएफ इक्वेशन और सेकेंडरी ईएमएफ इक्वेशन क्या बन जाती है, ई एस बराबर 4.44 बी एम ए इंटू एफ इंटू एन एस। यहाँ पर क्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इक्वेशन, जो कि ये दोनों क्या होती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इक्वेशन। इसका निर्धारण किसके में किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर में इसका निर्धारण किया जाता है। और प्राइमरी के लिए तो ईपी इंटू आईपी और सेकेंडरी के लिए ईएस इंटू आईएस। इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन को जानते हैं। इसके बाद होता है पावर ट्रांसफार्मर या शक्ति का अधिकतम फ्लक्स घनत्व 1.1 से 1.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अधिकतम फ्लक्स घनत्व 0.9 से 0.11 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इक्वेशन हम इस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया जाता है एक ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज 400 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है पर दिया गया है 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया गया है। प्राइमरी में उत्पन्न फ्लक्स की संख्या 150 वेबर है। यदि प्राइमरी में ये चक्रों की संख्या 375 हो तो ईएमएफ इक्वेशन की गणना कीजिए। तो इनकी गणना करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात होनी चाहिए। तो अगर ये हमें याद होती है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते। तो ईएमएफ इक्वेशन में हम इनका मान रख लेते हैं, जैसे एफ का मान यहाँ पे 400 हर्ट्ज, फाइव एम का मान 150 वेबर और एनपी का मान 375 दे दिया जाए तो ईपी का मान हम आसानी से निकाल सकते। तो ईपी बराबर 4.44 इंटू फाइव एम इंटू एफ इंटू एनपी। जिस प्रकार से हम इनको सोल्व करने पर हमें मान 9900 किलो वोल्ट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या वोल्ट ट्रांसफार्मर अनुपात या वोल्टता रूपांतरण। सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, जिसे के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो NS अपॉन NP बराबर K, इसको क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर अनुपात। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ES अपॉन EP और NS अपॉन NP अपॉन IS अपॉन IP, या इसको हम इस संबंध द्वारा दर्शाते थे, जैसे कि ES और EP बराबर NS/AP, NP NS/NP बराबर NP IP/IS, ES/EP/IP/IS। ES क्या होता है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ, ईपी प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ, एनएस क्या होता है इसी प्रकार से एनएस सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या और एनपी प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या। इसी प्रकार एनपी होती है प्राइमरी वाइंडिंग में, आईपी होती है प्राइमरी वाइंडिंग में धारा और आईएस होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा। इस प्रकार से हम इनमें अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक के साथ। अभी आप हमें थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।